स्वागत है आपका IPN न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद है, मैं आपको बता दूँ, ये तिरबिन वही स्थान है जहाँ पे आपको मैं इस बार जो एजुकेशन का जो कंक्लेव हुआ था, जहाँ पे हमारे क्लास 12 का जो स्टूडेंट है उसे सबसे अच्छे मार्क और सबसे अच्छे परसेंटेज में जो पास आउट किए थे, उसे हमारा DDC को नवाजा गया था आपके दोरजी खांडू कन्वोकेशन हॉल ईटानगर पे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो स्कूल है मैं जहाँ पे मौजूद है अभी, इसे गाको दापो स्कूल कहते हैं। ये तिरबिन पे ही मौजूद है। और मैं आपको बता दूँ, ये पहले आपके LP स्कूल थे, LP से इसे अपग्रेडेशन करते हुए इसे मिडिल स्कूल बनाया गया है, अपर प्राइमरी स्कूल यानी कि इसे कहते हैं लोग। तो आपको बता दूँ, आपके जो जब अपग्रेडेशन जब करते हैं स्कूल को, तो उस पर क्लासरूम का भी अपग्रेडेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्लासरूम वही है, क्लासरूम को अपग्रेडेशन नहीं करते हुए इसने क्या क्या है, बच्चों को यहाँ पे जो पढ़ने की जो संख्या इसे बढ़ा दी है, लेकिन क्लास का जो हालत है वही का वही हालत पे। और मैं हमारे जो शिक्षा मंत्री है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है अरुणाचल के, और इसके साथ जो हमारे जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी, मैं उसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो शिक्षा को लेकर, जो बच्चों की जो पढ़ाई को लेकर आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, जब हम स्कूल पर जब पहुँचते हैं तो स्कूल का जो रियलिटी, जो ग्राउंड है, उसे देखते हुए काफ़ी दुख होता है हमें भी, क्योंकि स्कूल का जो हालात है बहुत ही बुरा है। ऐसे हालात में जो यहाँ के जो टीचर है, जो बच्चे हैं, किस प्रकार उसका भविष्य को किस प्रकार संवारा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जो इस BJP सरकार, हमारे जो पेमा खांडू सरकार से। मैं आपको कुछ स्कूल का ऐसे दुखद जो स्थिति है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये देखने में ऐसे लगता है कि यहाँ पे जैसे हमारे जो मुर्गियाँ को यहाँ पे पालते हैं, यहाँ पे हमारे जो गांव के जो जानवर है उसे पालते हैं, लेकिन मैं बड़ी दुख से कहता हूँ कि ये एक स्कूल है जहाँ पे बच्चे का भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के जो टीचर से भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकता है, ये है हालात हमारा स्कूल का, ये हालात है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लास में बच्चे जो बैठा हुआ है, मैं इससे पूछता, बच्चे आप कितने क्लास में बैठा? Class 3। ये Class 3 है, आप देख सकते हैं, ये Class 3 का बच्चे है इस हालात पे बैठा हुआ है कि यहाँ पे जो बाहर से जब लोग आएंगे, इसे देखने वाला एक गलत नज़र से देखेंगे कि यहाँ पे जानवरों को पाला जाए, जानवरों को भी इस हालात में नहीं पालते हैं। ये काफ़ी दुख है कि यहाँ पे बच्चा का जो भविष्य को संवारा जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेम्बू से बनाया हुआ है, और इसके बाद आप देख सकते हैं जो हालात है, काफ़ी दुख है। ये Class 3 का स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। और मैं आपको मैं क्लासरूम दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो LP स्कूल जो हुआ करते थे पहले, वही का वही क्लासरूम है। जब आप अपग्रेड करता है तो हमारे जो राज्य सरकार है, जब भी आप LP से आप जो प्राइमरी जब मिडिल में जब आप अपग्रेड करता है, तो आपको क्लासरूम को भी अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। शायद आपको जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पेमा खांडू की जो सरकार है, बड़े बड़े AC कार में आप घूमते हैं, मज़ा करते हैं, और कुछ स्कूल में आप जाके देखते हैं, लेकिन आप वही स्कूल पर जाते हैं जिस स्कूल पर आपने डेवलपमेंट दिया गया है, लेकिन जिस स्कूल पे आप डेवलपमेंट पैकेज दिया गया है वहाँ पे आप जनता को बुर्बक बनाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप उस स्कूल पे जाते हैं, लेकिन जिस स्कूल में समस्या, आप उस स्कूल पे कभी ना यहाँ के दीदी से विजिट करता है, ना यहाँ के स्कूल अथॉरिटी, ना यहाँ पे कोई मिनिस्टर, ना यहाँ के नेता यहाँ पे विजिट करता है। तो इसे मैं चाहता हूँ कि नेता जो अपने आँख को खोले और खान को खोले और इस तरह का स्कूल को जरूर विजिट करें। और मेरे सामने पर आप देख सकता है, ये है यहाँ के स्टाफ रूम, यहाँ पे आपके जो टीचर्स वहाँ पे बैठे हैं, हमारे जो हेडमास्टर यहाँ पे बैठे, ये टीचर्स रूम है। और टीचर्स रूम के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन अटैच है। देखिए किस तरह किचन के साथ अटैच पे यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, यानी कि इतना उन लोगों को यहाँ पे मजबूरन स्थिति पे रह रहा है यहाँ के टीचर। और मैं आपको बताऊँ, क्लासरूम का जो आपका हालात है, मैं क्लासरूम का हालात आपको दिखा दूँ यहाँ पे। मैं अब एक स्कूल, ये कितना क्लास है? 7। ये Class 7 का हालात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप किरकिया का जो है हालात देख सकता है यहाँ पे किस तरह है, यहाँ पे किस किस जगह पे, तो आपका बिना किरकी का, जब बरसात जब आ जाएंगे तो बरसात के चीटे हैं जो बच्चे की किताबों में पड़ जाएंगे, उसको जब बच्चे जब लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके अगर कॉपी यहाँ पे गिर जाएंगे तो बच्चे के जो इंक है वो आपके ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, जब ब्लोटिंग हो जाएंगे तो बच्चे का जो है किस प्रकार फिर से उसे दोहराया जाएगा, काफ़ी दुख है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर भी हमारी सरकार जो जरूर गौर करना चाहिए। और ऐसा इस स्कूल का काफ़ी मजबूरी है, मैं आपको मैं दिखा दूँ स्कूल का स्कूल, आप देख सकता है ये है आपका स्कूल, ये कितना क्लास है? ये Class 5 है। आपको बता दूँ, मैं कैमरामैन द्वारा मैं ऊपर की जो हालात है आपको दिखा दूँ।
जो ऊपर है जितना भी छत है जो तीन है पूरा छेद पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर बरसात जोर से आ जाए तो यहाँ पे एक तालाब बन जाता है। तो इस तालाब में अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तालाब में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, अरुणाचल का जो एजुकेशन सिस्टम यही है। तो मैं जो सच है करवा है, लेकिन सच जो है बिल्कुल करवा है। तो इससे हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है जागना चाहिए, उसका आग जो खोलना चाहिए। देखिए इस पे बच्चे जो है आपकी एक तालाब में पढ़ना पड़ रहा है, वहाँ पर जब बरसात जोर जोर से जब बरसात टपकता है। अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मौसम बदलते रहता है और बारिश के जब चीते जब आते हैं बारिश काफ़ी ज़ोरों से आता है, ऐसे हालात पे ये इस पे जो तालाब बन जाते हैं तो स्टूडेंट किस तरह तकलीफ होता है। और मैं ऐसा एक क्लास आपको दिखाऊंगा, ये सोच के हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर आप भी हैरत अंगराज में रह जाएंगे और हमारे जो लोग हैं उसे विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर में तीन क्लास यहाँ पे मौजूद है। ये आपको दिखा दो, यहाँ पे ये है आपका क्लास। आप कितना क्लास में? क्लास 2। ये है क्लास 2, क्लास 1, ये पे क्लास 1। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 1 के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्लास 2 और बोर्ड जो है एक है। तो ऐसा बोर्ड में वन टाइम में किस प्रकार टीचर जो बच्चों को ज्ञान देता होगा। अब मैं यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज हूँ सर, आप थोड़ा आइए यहाँ पे, हमारे हेड मास्टर से मैं कुछ सवाल पूछूंगा इस पे। तो सर इस पे अभी देखिए यहाँ पे क्लास 1 और 2 के बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, तो इस पे जब साथ में पढ़ रहा है तो अभी यहाँ पे बोर्ड तो एक लगा हुआ है, तो 2 और 1 को एक साथ कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? सर उसको ये ऐसे हम लोग का ये 45 मिनट हो जाते हैं ना, वो 45 मिनट को हम लोग पूरा उसको क्लास 2 को रेस्ट करने के बाद क्लास 1 को पढ़ते हैं। क्लास 1 को जब पढ़ाएगा क्लास 2 को रेस्ट करने देते हैं, ऐसे मतलब ये करते। तो आप लोगों का तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास होता है? नौ बजे से एक बजे तक होता है। तो आपका तो हर क्लास का टाइमिंग तो बराबर होता होगा आपका, तो जैसे अभी क्लास 2 को जितना टाइम देना, 1 को भी सेम देना पड़ता होगा आपको? सर उसको एडजस्ट कर देते हैं, आप लोग एडजस्ट में करते हैं। तो यानी रूम ही नहीं है सर, यानी कि बच्चों को 45 मिनट जो टाइम देना था उसे 45 मिनट दे के आप लोग 20 मिनट के टाइम पे आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, यही हाल कर रहा होगा आप लोग? वही सर, वही मतलब ये उन लोग को सब सर उन लोग का सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, 3 सब्जेक्ट को हम लोग वही मतलब एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, दूसरा का तो 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसी पीरियड में हम लोग उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये है, मैं आपको बता दूँ, ये सर है इसने कहा है कि देखिए यहाँ पे बच्चों को एडजस्ट करके यहाँ पे पढ़ा रहा है, ये हालत है एजुकेशन सिस्टम, इसे कहता है अरुणाचल का जो एजुकेशन सिस्टम। आप देखिए यहाँ पर है ये एक बच्चे यहाँ पे बैठा है, आप कितने क्लास के यहाँ पे? यहाँ देखिए ये क्लास 4 के बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्लास 1, 2 और क्लास 4 के बच्चे यहाँ पे बैठे, और पार्टीशन को आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर पार्टीशन करके रखा हुआ, आप ये देखिए प्लास्टिक का पार्टीशन है। यहाँ से जो बच्चे जो बात करते हैं, यहाँ से जब टीचर पढ़ाते हैं तो इस रूम के जो बच्चे को वो डिस्टर्बेंस होगा, और इस रूम के जब टीचर जब इसे पढ़ेंगे तो इस हालात में जो कंसंट्रेट करना चाहिए बच्चों को आज के, क्योंकि ये बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चा है, इसको कंसंट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है सब्जेक्ट में। ऐसा हालात में किस प्रकार बच्चा अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएगा, ये तो काफ़ी दुख की बात है। और मैं अंदर में थोड़े से मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये आप कितना क्लास का है? ये क्लास 8 है, वहाँ पे क्लास 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं इसके हमारे जो पिछले। तो मैं आपको बता दूँ अभी क्लास 6, 7, 8 ये एक ऐसा एक स्टूडेंट के एक मोर होता है जहाँ पे उसे अपने मैथमेटिक्स हो या साइंस पे उसे कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन इस हालात में जब बच्चे यहाँ पे जब पढ़ाएंगे टीचर, वहाँ के टीचर सुनाई देंगे, वहाँ के यहाँ सुनाई देंगे, तो ऐसा हालात में बच्चे कैसा कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई पे? तो इस पे हमारे जो राज्य सरकार है ज़रूर गौर करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इस पे एक टीम विजिट किया जाए और जो स्कूल का जो हालात है इसको बदलने की कोशिश किया जाए। तो ऊपर के जो हालात आप देख सकते हैं इस पे भी शायद कभी रिनोवेशन हुआ ही नहीं, और रिनोवेशन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे लकड़ियाँ लगा के रिनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर से हमें बचाने की कोशिश कर रही है हालात में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चा का भविष्य को बनाना है तो अरुणाचल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा। जो एजुकेशन अगर सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहता है तो स्कूल को जब आप अपग्रेडेशन करता है तो क्लास को भी अपग्रेडेशन आप करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करेगा तो बच्चे का भविष्य पूरा अंधेरा में फिर से गुजरने का और दोहराने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जो हमारे राज्य सरकार है ज़रूर आँख खोलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि राज्य सरकार को वो ऐसा स्कूल को जरूर अपग्रेडेशन करें, लेकिन अपग्रेडेशन के साथ साथ वो क्लासरूम को भी जरूर अपग्रेडेशन करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का हक ना आपको है ना हमको है, तो इस पर राज्य सरकार जरूर जागना चाहिए।